श्योपुर के कांग्रेसी नेता महावीर वाल्मीकि ने आज कोटा शहर में उस चंबल नदी पर देखा जो कि वाल्मीकि समाज के उन लोगों 9 लोगों की मौत का क्या कारण रहा, तो देखा कि पुलिया के ऊपर दोनों साइड में ना तो दीवार बनी हुई है और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई बैरिकेड लगे हैं जहां पर दुर्घटना का डर बना रहता है, और देखा कि ऐसा कोई प्रशासन के द्वारा सड़क पर देखते हुए कोई निर्देश नहीं है जिससे कि आने जाने वाले लोगों को दूर से ही पता लग जाए कि क्या ये पुलिया पर सावधानी से निकलना है। राजस्थान सरकार और प्रशासन को ऐसी व्यवस्था पुलिया पर करना चाहिए जिससे दुर्घटना दोबारा ना हो सके, और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को पुलिया के दोनों साइड बैरिकेड लगा देना चाहिए जैसे इतनी बड़ी घटना दोबारा ना घटे। कुमार वाल्मीकि, जो हमारे वाल्मीकि समाज के 9 लोगों का घटना हुई है कोटा चंबल में, मैं उस जगह आ चुका हूँ। वहाँ की घटना ऐसी है कि अभी तक सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, पूरे वाहन चल रहे हैं, कभी भी कोई घटना भी घट सकती है। तो मैं सरकार को आग्रह और चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसमें बैरिकेड लगाए जाए और रोका जाए, अभी भी चल रहे हैं लोग। और ये स्थिति, ये देखो पूरी तरह, ये ज़्यादा होना नहीं है, जगह जगह डिवाइडर कुछ नहीं है, बिल्कुल घटना यहीं घटित हुई है। मैं महावीर कुमार वाल्मीकि कांग्रेस सरकार को फिर चेतावनी देता हूँ कि सुधार करें और जल्द से जल्द यहाँ बैरिकेड लगाए जिससे दूसरी घटना घटित ना हो सके। हजारों गाड़ियाँ जा रही है, कोई वो नहीं है, दोनों तरफ देखिए आप तो हजारों गाड़ियाँ जा रही है, इधर भी जा रही है, दोनों तरफ कोई बैरिकेड नहीं है, कुछ नहीं है, और बिल्कुल जनता के जान माल के साथ खिलवाड़ की कर रही है सरकार। मैं प्रशासन, कोटा प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ कार्रवाई करें।